फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीटी लाइव। मैं हूं बरखान। मैं आज आपके साथ रिएक्ट करने वाली हूं एक मूवी को जिसका ट्रेलर अभी आया है रिसेंटली, वन डे पहले। और इस मूवी का नाम है मैं अटल हूं। और इसमें पंकज त्रिपाठी अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का रोल प्ले कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। एंड इसी का ट्रेलर है इस मूवी का। सो लेट्स सी कि कैसा है। और ये मूवी 19 जनवरी 2024 को रिलीज़ हो रही है, जनवरी में नेक्स्ट ईयर। काफ़ी अच्छी है, डायरेक्टर रवि यादव है। मुझे वैसे, मैंने जब फर्स्ट लुक देखा था पंकज त्रिपाठी का एज श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग, काफ़ी अच्छा लगा था, इंट्रीगिंग लगा था। और मुझे ऐसा लगा था कि ये काफ़ी ज़्यादा लुक लाइक, जैसे मतलब लग रहे हैं कि हाँ अटल बिहारी वाजपेयी, उनका लुक काफ़ी सिमिलर लग रहा था, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये लग रहा है कि ये रोल को अच्छे से निभाएंगे। एंड मैं भी वेट कर रही हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये कैसे इन्होंने एक्टिंग की। द सिचुएशन हैज गॉटन वर्स्ट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मुझे लग भी रहा है दे आर ग्रेजुअली ट्राइंग टू टेक ओवर कारगिल। पर्सनली मेरे काफी फेवरेट थे अटल। यदि भारत माता के चरणों में लहू बहा कर ही आगे जाना है तो मैं इस पद को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। एक हिंदुस्तानी को कश्मीर जाने के लिए परमिट चाहिए, वहाँ तिरंगा फहराना अपराध है। अखिल भारतीय जनसंघ एवं ये पूरा देश धारा 370 का विरोध करता है। जनसंघ की आवाज देश तक पहुँचाने के लिए हमें संसद तक पहुँचना होगा। बलरामपुर मैं आपसे आपकी निराशा, दुख, दर्द ये सब आपसे छीनने आया। लोकसभा में पहली बार चुन के आया हूं, 505 सदस्यों की लोकसभा जिनमें 403 कांग्रेस और उनके साथी, 102 प्रतिपक्ष, उसमें हम भारतीय जनसंघ के 4। और हम आशा करते हैं कि आज हमें बैलगाड़ी में आता देख सरकार ये देख पाएगी कि देश में गरीबी इसमें किस अवस्था में है। इस कांग्रेस को हटाना है, इंदिरा राज खत्म करना है। दलों के इस दलदल के बीच एक कमल खिलाना होगा। नमस्कार, मेरा नाम सुषमा स्वराज है। अरुण जेटली। मैं प्रमोद महाजन। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत है। जनाब आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मुदखाई में कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। वो आपके विपक्षी नेता थे तो विपक्षी तो हम थे, वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जी। आप लगवाइए उनकी पोर्ट्रेट यहाँ जी। कैसे रोल किया है, क्या क्या दिखाया है। हमें आज जरा भी दुख नहीं है कि एक वोट से हमारी सरकार गिर गई। सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए। मुझे बहुत
बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं और सही तरीके से गाइड करते हैं, बहुत हेल्प करने वाले बहुत सही लोग हैं जो मैं जिनसे मैं सीखती हूँ। तो मुझे ऐसे लोगों की तो ज़रूरत नहीं है कि मैं एक अब एक्टर्स से सीखूँगी कि वो क्या दिखा रहे हैं, तो वो कुछ भी गलत भी दिखा रहे हो अच्छा भी दिखा रहे हो, मैं सिर्फ उसको एंटरटेनमेंट की तरीके लेती हूँ, देख के आती हूँ, जैसे ही देख लेती हूँ थिएटर से बाहर निकल जाती हूँ, सारा मेरे माइंड से निकल जाता है। तो आई डोंट नो अबाउट अदर्स ओपिनियन, मैं मूवी को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही देखती हूँ, दैट्स इट। सो आई डोंट नेवर क्रिटिसाइज दैट दोज थिंग्स। तो अगर आप मूवी देखते हो सो उसको एंटरटेनमेंट के लिए देखो, बाकी उससे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अगर अच्छा है तो सीखो, नहीं अच्छा है तो उसको वहीं पे छोड़ के आओ। सिर्फ जैसे आप टाइम पास के लिए कुछ भी देखते रहते हो ना, स्क्रॉल कर करके जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स ये सब चीज़ें, वैसे ही मूवी को भी समझो एंटरटेनमेंट के लिए। देखा, निकाल दिया, छोड़ दिया, क्या थी, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने पैसे लगाए, मैंने उतना इन्वेस्टमेंट किया, बढ़िया देखा, हमारा टाइम पास अच्छे से हुआ, दैट्स इट, इट्स इनफ। ऐसे मूवी को देखा जाता है, ज़्यादा सीरियसली लेके उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, क्या ही करना है उससे। बहुत हाँ, जो गलत लोग होंगे वो गलत चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है, उससे वो सब चीज़ें। लेकिन अभी मुझे लगता है एजुकेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एजुकेशन का परसेंटेज बढ़ रहा है, लिटरेसी बढ़ रही है, लोग अपने आप समझदार हो रहे हैं, उनको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, वो समझते हैं कि क्या चीज़ उनके लिए सही है क्या गलत है। सो टिल देन विल मीट इन नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो।